पितुरपराय धामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत्वेखां वर्तते तमः। जो कोई जने गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गारम करुणावतार संसार सारम उजगेत हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कामानि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वेद्या श्रवणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव मम देव देव। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददातु। तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि अनंतकोट नमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलिए भूत भवन भगवान भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की बाल मुकुंद भगवान की पूज व्यास जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। भगवान की अमृतमयी कथा का रस स्वादन कर हर हर महादेव। राम जय श्री राम। श्री राम राम जय श्री राम। राम श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम
राम श्री राम। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय हो। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। हरे हरे हरिओ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पूज्य गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारोण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कर्पूर गौरं करुणावितारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सियारामे मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जोग पानी। आइए हनुमन्ते विराजे कथा करौ मति अनुसार प्रेम सहित गादि धरौ पधारी पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम चंद्र भगवान श्री राधेश्याम भगवान हनुमान जी महाराज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान
मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, संत समाज, संगीताचार्य भाई बंधु, इस कथा के मुख्य यजमान श्री माधव साहू जी, उनकी धर्मपत्नी, समस्त सेमरा ग्राम के नगरवासी, क्षेत्रवासी, मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं, इस कथा को आप सभी करवाने वाले हैं। सेमरा गांव के समस्त नागरिक, समस्त माताएं, बहनें, भाई बंधु, पंडाल में विराजमान समस्त भगवत प्रेमी, और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे महादेव, आप सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से हर हर महादेव। आइए, आज प्रथम दिन की बेला में हम सभी गोता लगाते हुए कुछ क्षण के लिए नाम संकीर्तन करें। इसके बाद आज प्रथम दिन की कथा को हम सभी श्रद्धा और भाव से श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो,
छत्तीसगढ़ की धरती से इस सिमरा ग्राम में आज शिव महापुराण का प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। हे मेरे भाई बहन, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि मेरे महादेव ने आप सबको अपना पात्र चुना है और यह शिव महापुराण की कथा आपको प्रदान करी है। क्योंकि मेरे महादेव की कथा हर व्यक्ति नहीं श्रवण कर सकता है, हर भक्त श्रवण नहीं कर सकता है, जिसे मेरे महादेव अपना बनाना चाहते हैं, जिसे महादेव अपना स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, जिसे मेरे महादेव अपनी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, बंधुओं उसी को यह शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। वही जीव यह कथा को श्रवण कर सकते हैं जिसके ऊपर मेरे महादेव की अद्भुत कृपा होती है। अन्य ग्रंथों में आप श्रवण करते होंगे कि श्रोता जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी श्रोता बन करके बैठे हुए हैं,
और कथा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन शिव महापुराण का प्रथम श्रोता कौन बना है? शिव महापुराण का श्रोता कौन बना कि यह शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सके? हे मेरे भाई बहन, शिव जी महाराज कह रहे हैं, हे सूत महाप्रग सर्व सिद्धांत विद प्रभो अख्याही में कथा सरम पुराणानाम विशेषतः पुराणानाम विशेषतः। सूजी महाराज विराजमान है बंधुओं, 88,000 ऋषि महात्मा आज सम्मुख विराजमान हुए और कहा, महाराज हमने अनेकों ग्रंथों को श्रवण किया है, परंतु कलयुग में जो हर पापों से मुक्ति दे दे, हर एक रोग से हमें मुक्ति प्रदान कर दे, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे, हमारे मन में जो कलुषित विचार हैं, हमारे मन में जो हमेशा कलुषित विचार बने रहते हैं, इन सब को नष्ट करने के लिए ऐसे हमें आप कथा श्रवण करवाइए कि जिससे हमारे जीवन में आनंद के अनुभूति हो। सूजी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, ऋषियों आज हम आपको ऐसी कथा श्रवण करवाएंगे कि जीवन में हर एक रोग से जिसे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। जीवन में जिस प्रकार से जो व्यक्ति दुखी है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, 7 दिन तक लगातार आप निमित्त बनकर के इस कथा को श्रवण करना। जब 7 दिन निकल जाएंगे बंधुओं और संपूर्ण शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे महादेव ने कितनी बड़ी कृपा की है आपके जीवन में, कितनी अद्भुत कृपा करी है आपके जीवन में। कोई रोग से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई धन से परेशान है, किसी न किसी कारण से आप सभी दुखी हैं। दुखी हैं कि नहीं है? किसी न किसी कारण से हम सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत निराश, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी भोलेनाथ के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से निराश है, लेकिन याद रखना एक बार 7 दिन आप पूरे नियम से कथा को श्रवण कर लेंगे तो 8वां दिन जब आएगा मेरे प्यारे, तब हमारे जीवन में अद्भुत आनंद आएगा। क्या आएगा? अद्भुत आनंद आएगा। तो शिव महापुराण का श्रोता कौन बना? यह 16 संस्कार जो होते हैं ना, और जो 16 श्रृंगार होते हैं, प्रेम से बोलो, यह 16 श्रृंगार जो होते हैं और 16 संस्कार कैसे बने हैं, किसने बनाया है और कैसे प्रारंभ हुआ है, याद रखना बंधुओं। मेरे महादेव और पार्वती मैया, प्रथम बार श्रोता कौन बने हैं? मेरे महादेव और पार्वती मैया स्वतः अपनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जब बैठना हुआ ना, तो मेरे महादेव जब प्रथम श्रोता के रूप में और पार्वती मैया प्रथम श्रोता के रूप में बैठना चाह रही थी ना, तो कितने दिन तैयार हुए हैं? कितने दिन तैयार हुए? 16 दिन। कितने दिन तक तैयार हुए हैं?
16 दिन तक। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आना ना, जब चकाचक बढ़िया आना है। 16 दिन तक लगातार पार्वती और महादेव सुंदर तैयार होकर के आए हैं और इसके बाद में कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। तो जब महादेव तैयार हुए तो क्या बन गए? 16 संस्कार। और जब पार्वती मैया तैयार हुई तो क्या बन गया? 16 श्रृंगार। हम श्रृंगार रूप में विराजमान हैं। इसलिए बंधुओं, यह 16 संस्कार कहां से प्रारंभ हुआ है? कहां से प्रारंभ हुआ है? और 16 श्रृंगार, अब कोई पूछे तो बताना कि जब पार्वती मैया प्रथम बार कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुई मेरे बंधुओं, तो 16 श्रृंगार करके मेरी माँ प्रकट हुई हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो शिव महापुराण की कथा क्या है बंधुओं? क्या आपको मालूम है कि 33 कोटि देवी देवता कहाँ विराजमान हैं? कहाँ विराजमान? आम के पेड़ में। कहाँ विराजमान है? अच्छा, आप अभी कलश यात्रा में चले हो ना? कहाँ चले हैं? कलश यात्रा में। एक एक कदम आप जो कलश यात्रा में अपना बिताया है, एक एक कदम आप जो चले हो, किसके लिए चले हो? मेरे महादेव के लिए। किसके लिए चले हो? मेरे महादेव के लिए। अरे याद रखना बंधुओं, जो कलश होता है, जो कलश लेकर के आप अपने सिर में रखे थे ना, माधव जी शिव महापुराण को रखे थे और मैया बांके बिहारी को, महादेव को लेकर के चल रहे थे। ये क्या है? एक बार भी अपने जीवन में जिसने शिव महापुराण को अपने सिर पर रख करके चल दिया मेरे प्यारे, और गांव में भ्रमण कर लिया, उसके जीवन में मेरे महादेव का वास हो जाता है। उसके हृदय में धीरे धीरे महादेव अपना वास बना लेते हैं, अपना निवास बना लेते हैं, क्योंकि साक्षात मेरे महादेव ही शिव महापुराण के रूप में विराजमान है। कौन विराजमान है? साक्षात मेरे महादेव ही शिव महापुराण के रूप में विराजमान है मेरे प्यारे। इसलिए ये कोई पुस्तक नहीं है, शिव महापुराण कोई पुस्तक नहीं है, क्या है? हम सबका मस्तक है। क्या है? हम सबका मस्तक है। इसलिए एक बार भी जीवन में हर व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार तो हृदय से संपूर्ण शिव महापुराण को कथा को श्रवण करना चाहिए। और देखो कैसी वह बेला आई है, कैसा यह आनंद का वातावरण बना है मेरे भाई बहन, कि आश्रमरा गांव में अभी यह गंगा कहाँ बह रही थी पता है? यही गंगा शिव महापुराण की परसों ही विश्राम ली है। कहाँ? सुपेला में। बस परसों ही वहां कथा विश्राम हुई मेरे भाई बहन, और वहां से गंगा धीरे 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 शिव महापुराण की कहां आ गई? सेमरा में। यह सेमरा में शिव महापुराण की गंगा, और लगातार यह गंगा जो है बहेगी। जिसे मेरे महादेव बुलाएंगे वही इस गंगा में गोता भी लगा पाएंगे बंधुओं, और जिसे मेरे महादेव नहीं चाहते हैं वह यहाँ रह करके भी कथा को नहीं श्रवण कर पाते हैं। जिसके जीवन में पाप ज्यादा होते हैं उसे कथा कभी नसीब नहीं होती है, कारण वह कथा को सुनने ही नहीं देते हैं। आज चलेंगे ना बहनी, कल चलेंगे ना बहनी, परसों चलेंगे ना बहनी, बस आज कल परसों करते करते कथा विश्राम हो जाती है और वो कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं।
जिसके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं। क्या उदय होता है? जिसके जीवन के पुण्य उदय होते हैं, मेरे महादेव जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वही आकर के इस कथा प्रांगण में विराजमान हो पाते हैं। अन्यथा मेरे प्यारे, इस शिव महापुराण की कथा को व्यक्ति नहीं श्रवण कर पाता है। इसलिए याद रखना, आज प्रथम दिन की कथा है ना, इसलिए नियम भी बताऊंगा धीरे धीरे। 7 दिन आपको एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कथा का समय क्या है? 1 से लेकर के 5 बजे तक, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक। कल से कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ होगी, तो जैसे ही 1 बजेगा कथा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रथम आरती से, और जब तक विश्राम आरती ना हो जाए, प्रथम आरती से आपको आ जाना है। और जब विश्राम की आरती हो जाएगी, इसके बाद ही आप संपूर्ण कथा श्रवण करके जाएंगे। इसके बाद 7 दिन लगातार धीरे 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 आप कथा को श्रवण करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा घर, व्यापार, मकान, हमारे बच्चे, बच्चियां, सबका जीवन का भाग उदित हो रहा है। सबके जीवन में मेरे महादेव की कृपा हो रही है। क्या हो रही है? कृपा हो रही है। हे मेरे प्यारे, शिव महापुराण की कथा जब तक व्यक्ति जीवन में श्रवण नहीं कर पाता है, समझो तभी तक उसके जीवन में पाप भी रहते हैं। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, वैसे सूजी कहते हैं पुराणों में शिव महापुराण श्रेष्ठ है। कौन सा पुराण? शिव महापुराण। जैसे लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में शिव महापुराण श्रेष्ठ है। बंधु सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, जीवन में जीव के अंदर पाप तभी तक रहते हैं जब तक वह शिव महापुराण की कथा को नहीं श्रवण कर पाता है। इसलिए मेरे प्यारे, नियमों को सुनते हुए आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। तो महाराज, आप कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने से जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं रहता है, कोई रोग नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता है। सूर्य कहते हैं हाँ ऋषियों, एक बार भी नियम से आप मेरे महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्री को धारण कर लीजिए। कौन सी बेलपत्री? महादेव को चढ़ाई हुई बेलपत्री को। लोग कहते हैं हृदय में पीड़ा हो रही है। अभी हम कल ही बैठे थे तो भक्त आए थे मिलने के लिए, हृदय में पीड़ा हो रही है, आपके शरीर में कष्ट हो रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पैरों में दर्द बना हुआ है। आप लगातार मेरे महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्रियों को खाइए, एक एक दिन छोड़ करके। आज खाएं जैसे, तो कल छोड़ देना, फिर परसों खाना, फिर एक दिन देखना, धीरे धीरे बीमारी भी दूर होती जाएगी। आहा, 88,000 ऋषि महात्मा जब प्रश्न किए कि महाराज क्या इस कथा को श्रवण करके किसी का बेड़ा पार हुआ है, कोई मुक्त हुआ है? तब सूर्य महाराज कहते हैं हाँ ऋषियों, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद जीवन में कोई पाप रहता ही नहीं है। संपूर्ण पाप जो है पलायन कर जाते। कैसे? जिस एरिया में पुलिस वाले होते हैं ना, जो थाना होता है जहां, वहां चोर बहुत कम रहते हैं। जिस एरिया में पुलिस वाले रहते हैं उस एरिया में चोर कम रहते हैं। कारण, उसका अलार्म बजता रहता है, पुलिस वाले का चक्कर लगता रहता है।
चोर घबराता रहता है। जहां ज्यादा चोर हो वहां पुलिस वाले को बैठा दीजिए आप, चोर नहीं रहेगा। उसी तरह से मेरे भाई बहन, जहां शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाई जा रही हो वहां आकर के आप विराजमान हो जाइए। पाप धीरे धीरे अपने आप पलायन कर जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। सूजी महाराज कहते हैं, सोते सोते महाभाग सर्वयज्ञोऽसि महामते। हे सूजी महाराज, आप बड़ी महिमा वाले हैं, बड़ी मति वाले हैं, बड़े विचार वाले हैं, बड़ी बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमें श्रवण करवाइए कि क्या इस कथा को सुन करके कोई भक्त उद्धार हुआ है, किसी के पाप दूर हुए हैं, किसी के कष्ट दूर हुए हैं, किसी के रोग दूर हुए हैं, किसी की मुक्ति हुई है। सूजी महाराज प्रसन्न हो गए। ऋषि, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एक चंचुला नाम की परम महादेव की उपासक थी चंचुला, और उसका पति जो है बिंदुक, एक ग्राम में रहते थे। दोनों पति और पत्नी थे, एक ग्राम में रहते थे। लेकिन वह गांव जो था बड़ा नास्तिक था, कोई देवी देवताओं को मानता नहीं था और निरंतर लगातार पाप करते रहते थे। बिंदुक जो है वह चंचुला का पति है। लेकिन मेरे प्यारे, यह दिन रात पाप करता है। क्या करता है? चोरी करता है, जुआ खेलता है, दिन रात पाप करता है। परंतु चंचुला जो है वह बहुत समझाती है, बहुत समझाती है कि आप यह कार्य मत करिए। लेकिन बिंदुक मानता ही नहीं है। ये जुआ खेलता है, चोरी करता है, अब तो और भी गंदा कार्य करना शुरू कर दिया, पर स्त्री गामी हो गया ये। और चंचुला मना करती है, ये मानता ही नहीं है। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, परंतु याद रखना, जैसी हमारी संगति होगी वैसे हमारे जीवन का ढंग बदल जाएगा धीरे धीरे। जिस क्षेत्र में हम रहे होंगे, जहां हमारा निवास होगा, हमारा जीवन कैसा है वह हमारी संगति से पता चल जाता है कि हमारा संग कैसा है। पति तो नास्तिक निकला, पर स्त्री ग्रामी भी निकला। चंचुला बहुत मना करती थी लेकिन माना नहीं। तो एक दिन चंचुला का भी मन डोल गया। प्रेम से बोलो। एक दिन चंचुला का भी मन डोल गया। मेरे भाई बहन और इसने अपनी धर्म पत्नी को क्या देखा, पर पुरुष के साथ भी इसने देख लिया। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत पीटा। तो चंचुला ने कहा कि जब हमने आपको मना किया था आप क्यों नहीं माने? तो यह पहले तो डांटा, फिर कहा कि सुनो, मुझे सिर्फ धन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सिर्फ धन चाहिए। याद रखना, जीवन में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है जो सिर्फ धन को इकट्ठा करता रहता है, धन को सिर्फ जोड़ा रहता है, धन से धर्म नहीं कर पाता है। उसका जीवन जो है धीरे धीरे नरक बन जाता है। बंधुओं, यह चंचुला जो थी, जब यह पैसा लेकर के आती थी ना, तो कभी भी इसने धर्म नहीं किया था। क्या नहीं किया था? धर्म नहीं किया था।
कभी सत्कर्म नहीं की इसने, कभी पंडाल में जाकर किसने कथा नहीं सुना, कभी भी इसने सत्संग नहीं किया। याद रखना, सत्संग विहीन जो जीवन होता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है बंधुओं। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। अब मेरे महादेव कहते हैं, एक बार जो मेरे महादेव की कथा को हृदय से श्रवण कर लेता है शिव महापुराण की, आहा, उसे मेरे महादेव शिवलोक प्रदान कर देते हैं। क्या प्रदान कर देते हैं? शिवलोक प्रदान कर देते हैं। चंचुला ने कहा कि आप हमेशा पाप करते रहे हैं, लेकिन मैं आपको मना करती रही, आप माने नहीं। इसने कहा मुझे धन चाहिए। अब देखो, जीवन में अगर जो गृहस्थ में सहयोग अच्छा ना हो, विवेक से काम ना लिया जाए, तो गृहस्थ जीवन भी बर्बाद हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? गृहस्थ जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है बंधु। बिनु सत्संग विवेक न होई। जीवन में जब तक सत्संग हम नहीं करेंगे तो विवेक नहीं हो सकता है। अविवेक नहीं होगा तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। चंचुला ने इसे धन देना प्रारंभ कर दिया और यह दिन रात मेरे भाई बहन उस धन का दुरुपयोग करता रहा, पापाचार में लगाता रहा, गड़िकाओं के ऊपर लगाता रहा ये पैसा को, धन को। और धन क्या है? लक्ष्मी है। अगर जो जीवन में लक्ष्मी का हम दुरुपयोग करेंगे तो कभी भी लक्ष्मी हमारे पास में नहीं रह सकती है। इसलिए लक्ष्मी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदुपयोग करनी चाहिए। इसने धन देती रही चंचुला अपने पति को, यह दुरुपयोग करता रहा चारों तरफ। एक दिन क्या हुआ, जैसे दीपक जलता है ना बंधु, दीपक के नीचे ही अंधेला रहता है। क्या रहता है? अंधेला। इसी तरह से युवानी के पीछे क्या छिपा है? बुढ़ापा। क्या छुपा है? बुढ़ापा। युवानी के पीछे क्या छिपा है? बुढ़ापा छिपा है। जो जिसका जीवन बचपन है अभी, वह युवान होगा। जो युवानी में है वह बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा हुआ है उसे संसार छोड़ करके जाना ही जाना है। तो यह दिन रात पाप करता था बंधु। क्या हुआ? बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आया तो संसार से चला गया। इसने पाप किया था तो पहले तो नरक गया, और नरक जाने के बाद में इसे भेज दिया गया तो यह बहुत बड़ा प्रेत बना। क्या बना? यह प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया तो मेरे भाई बहन अब यहां से वहां घूमने लगा। ये अब तो ना तो खाने के लिए मिल रहा है, ना कुछ पाने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरे महादेव कहते हैं बंधुओं, जीवन में जो सत्कर्म नहीं करता है, जीवन में अपना समय ऐसे व्यर्थ निकालता रहता है। आज देखो कितना सुंदर लग रहा था जब आप समस्त ग्रामवासी कलश लेकर के चल रहे थे, और चारों तरफ से मेरी माताएं जो हैं वह कलश लेकर के चल रही थी, सारे देवी देवताओं को आप बुला बुला करके ला रहे थे। क्या हुआ है आज?
समस्त देवी देवता आपके नगर के जितने देवता थे, क्षेत्र के जितने देवी देवता थे, उनको बुलाने गए थे। क्या करने गए थे? डीजे से, ढोल से, सुंदर कलश लेकर के गीत गाते हुए सारे देवी देवताओं को बुलाने के लिए हम गए थे। शिव महापुराण कहती है बंधुओं, जहां मेरे महादेव की कथा होती है वहां 33 कोटि देवी देवता, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सब कुछ आकर के विराजमान हो जाते हैं। कहां विराजमान हो जाते हैं? जहां मेरे महादेव की कथा होती है, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे धाम, जो लगातार 7 दिन तक मेरे महादेव की कथा को श्रवण कर लेते हैं, तो संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव, संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। अब विचार करो, आप बद्रीनाथ जाइए, कितना पैसा खर्चा होगा, समय भी लगेगा, अनिश्चित भी नहीं है कि आप आओगे दोबारा लौट के कि नहीं आप आओगे, होता है ना। तो क्या बद्रीनाथ नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, जाना चाहिए, लेकिन जब बद्रीनाथ ही हमारे गांव में चल करके आए हैं, तो पहले बद्रीनाथ गांव में हमें दर्शन कर लेना चाहिए। वृंदावन जाओगे? वृंदावन जाओगे ना, पैसा भी खर्चा होगा, समय भी लगेगा, तो वहां भी जाना चाहिए। लेकिन जब वृंदावन हमारे गांव में ही आ गए हैं बंधुओं, तो हमें पहले गांव को वृंदावन बना लेना चाहिए। काशी विश्वनाथ जाओगे ना दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ, लेकिन जब काशी विश्वनाथ मेरे महादेव अपने गांव में ही चल करके आ गए हैं शिव महापुराण के रूप में, तो पहले अपने ग्राम के ही देवी देवताओं के साथ में अपने गांव को ही हम काशी बना दे बंधुओं। क्या बना दे? काशी। इसलिए यह शिव महापुराण की गंगा मेरे भाई बहन बहते 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 हमारे ग्राम में चल करके आई है, तो इस गंगा से कोई वंचित ना रहे। क्या ना रहे? इस गंगा से कोई वंचित ना रहे। हम एक व्यक्ति को अपने जीवन में कथा श्रवण करवा देते हैं, हम एक व्यक्ति को भी अपने से भगवान से जोड़ देते हैं अपने द्वारा, तो मेरे प्यारे बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा संकल्प हो जाता है। इसलिए कल से मेरे भाई बहन याद रखना, गांव में सब ताला लग जाना चाहिए। क्या लग जाना चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से। देखो हम तो बैठे हैं, हम तो पाए भी नहीं है, आप तो पा पा करके आ रही हो, चावल दाल पा के आई हो कि नहीं आई हो, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। कल से 1 बजे पूरे गांव में ताले लग जाना चाहिए। आ कोई गांव से जाए ना, आप पूछे कहाँ गए भैया, सारा का सारा गांव खाली हो गया है, तो पता चलना चाहिए कि सारे ग्रामवासी पंडाल में जाकर के बैठे हैं, किसके लिए? शिव महापुराण की कथा हो रही है। किसके लिए? शिव महापुराण की कथा हो रही है, और वहां सब गुनगुना रहे हैं, वहां सब गा रहे हैं, सब भाव से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मेरे महादेव का कीर्तन कर रहे हैं। करना दुखियों के दुख दूर हो, आहा बाघांबर वाले, क्या गा रहे हैं? आइए हमारे संग में भाव से आप लोग भी गुनगुना लीजिए। करना दुखियों के दुख दूर हो, बाघंबर वाले, बाघंबर वाले, बाबा बाघंबर वाले, भोले बाघंबर वाले, बाबा बाघंबर
घंबरे वाले। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले। बाबा पैगंबर वाले, पैगंबर वाले, बाबा 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 पैगंबर वाले। करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले। ताली सेवा करते भाव से गाइए। कच्चा दूध हो पैगंबर वाले, चढ़ावे कच्चा दूध हो पैगंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो पैगंबर वाले, चढ़ावे कच्चा दूध हो पैगंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले, करना दुखियों चावल चढ़ाओ फल फूल हो पैगंबर वाले, चढ़ाओ फल फूल हो पैगंबर वाले, और चढ़ाओ फल फूल हो पैगंबर वाले, और चढ़ाओ
दुख दूर हो पैगंबर वाले, बिना दुखियों के दुख दूर हो पैगंबर वाले। बोले शंकर भगवान के भाव से गाइए सब। चंचला जो है अब पति संसार से चले गए तो ये दिन रात पाप करती रही, लेकिन याद रखना जीवन में हमें तभी तक कोई पूछता है जब तक हमसे कुछ नहीं मिलता होता है। अर्थ तो स्नेह मेरे प्यारे सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम और कोई नहीं कर सकता है। मेरे महादेव आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, मेरे महादेव आपसे कुछ चाहते नहीं हैं। सिर्फ क्या चाहते मेरे महादेव, आप उनके निकट बैठ करके थोड़ा सा उनसे बातें करो, उनके निकट आप बैठ जाओ, थोड़ा समय दो उनके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये समय जो है संसार वालों को देते हैं और महादेव को कब याद करते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफ हो जाती है, कष्ट होता है। क्या होता है, जब तकलीफ होती है या कष्ट होता है तब फिर हम महादेव को याद करते हैं। और जब तक जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है तब तक हम महादेव को याद नहीं करते हैं बंधुओं, और यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं। जब जीवन में सुख होता है तो हमें किसी की याद नहीं आती है, और जब जीवन में दुख बढ़ता है तो हे महादेव आपने हमारे ऊपर कष्ट डाल दिए, हमें दुख दे दिया आपने, फिर आप बुलाते हो हे महादेव हमारी रक्षा करिए। महादेव घंटी डुलाए हैं, कौन सी घंटी बुलाए हैं,
ये कथा रूपी घंटी महादेव बुलाए। घंटी बजती है ना, ऐसे ही सारे ग्राम में आज सेमरा में मेरे महादेव ने घंटी बजा दिया है। जिन जिन को दुख दूर करना हो, जीवन में समस्याओं का समाधान करना हो, जीवन में कष्टों को भगाना हो, तकलीफों को भगाना हो, तो लगातार आओ, बैठो और श्री महापुराण की कथा को श्रवण करो। बंधो रोम रोम में जैसे रक्त की धारा हमारे रहती है ना, हमारे शरीर में रक्त जैसे रहता है, ऐसे ही हमारे रोम रोम में महादेव का वास हो जाएगा, हमारे शरीर में महादेव का निवास हो जाएगा। अरे नियम बना लेना, आप सभी महादेव की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ, जो करते होंगे वही उठाना, महादेव की आराधना करते हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। कई बार हमें लोग कहते हैं कि महादेव की हम उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता है। कई लोग हमें बताते रहते हैं इस बात को कि महादेव की हम उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, उसका हमें फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है बंधु? आप यह कथा को ध्यान से बस श्रवण करना, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, आपको एक एक चीज श्रवण करवाई जाएगी कि किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए, किस तरह से महादेव को जल चढ़ाना चाहिए, किस तरह से बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, किस तरह से दूध चढ़ाना चाहिए, किस तरह से भस्म लगाना चाहिए, किस तरह से सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, हैं, और किस तरह से सुंदर महादेव की पूजन पाठ और आरती करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में हर एक समस्या का समाधान हो जाए, हर एक दुख से हमारा जीवन रोग मुक्त हो जाए। तो कौन सी वो कथा है बंधु? वही तो शिव महापुराण है। कौन है? वही शिव महापुराण है। इसलिए चंचला ने दिन रात पाप किया मेरे भाई बहन, अब इसके पास कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, बुढ़ापा आने लगा तो इसने क्या देखा? आज कई माताएं एक साथ मिलकर के शाम की वेला में मेरे महादेव के मंदिर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? महादेव के मंदिर जा रही थी। पुष्प ली हुई थी, थाली ली हुई थी, दीपक ली हुई थी, नारियल ली हुई थी, अशुदर महादेव के भावों को गुनगुनाते हुए जा रही थी सारी माताएं। चंचला ने देखा ये माताएं कहां जा रही है, क्योंकि याद रखना शिव महापुराण कहती है मेरे भाई बहन, आपका भजन, आपका पूजन, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आज ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम मार्ग भूल जाते हैं कभी कभी, ध्यान से सुनना, मेरे महादेव कह रहे हैं कि हम जो भजन करते हैं, पूजन करते हैं, जो कथा भगवान की श्रवण कर रहे हैं, कभी कभी हम मार्ग भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में जब समय आता है तो वही पुण्य हमारा काम करता है। चंचला पहले महादेव की उपासना किया करती थी, लेकिन बीच में अपना जीवन इसने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तो वही पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य था इसने जो किया था, और इस जन्म का जो पुण्य था इसने क्या देखा? कई माताएं जो हैं वह महादेव के मंदिर में गई हैं, कुछ पुष्प ली हुई हैं, दीपक लिया हुआ है, नारियल लिया हुआ है, जल ली हुई हैं, और ये माताएं कहाँ गई हैं? गोकर्ण क्षेत्र। कहाँ गई हैं? गोकर्ण क्षेत्र गई हुई हैं सारी माताएं। और दिव्य महादेव का मंदिर है, क्या है?
दिव्य मेरे महादेव का मंदिर बना हुआ है। जीवन में कुछ करना चाहिए ना करना मेरे भाई बहन, लेकिन याद रखना, प्रयास करना कि जहां मंदिर बन रहे हों, जहां देवालय बन रहे हों, जहां धर्म का कार्य किया जा रहा हो, अगर जो भगवान ने आपको दिया है तो दोनों हाथ से आपको भगवान के लिए लुटाना चाहिए, मंदिरों में देना चाहिए आपको। किसके लिए मंदिर है? मंदिर तो हमारे लिए तो बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? हमारे दादा परदादाओं ने देखो थोड़ा थोड़ा धन जुटा करके आज कितनी सारी मंदिरें बनवाई हैं। आज ही हम दर्शन कर रहे थे सेमरा में, आहा, कहीं माता जी का मंदिर बना हुआ है, कहीं मेरे महादेव का मंदिर बना हुआ है, हैं? कहीं बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। कितना सुंदर ग्राम है, चारों तरफ कलश यात्रा हुई, भाव से भरे हुए लोग जो देखते थे वही कलश यात्रा के साथ निकल पड़ते थे। कलश यात्रा भी कोई साधारण नहीं होती है बंधुओं, कलश यात्रा साधारण नहीं होती है। जो कलश लेकर के चलते हैं, ये जो मुंह के रोग होते हैं ना, मुख के जितने मुख के रोग होते हैं, जो कलश में चलते हैं तभी उनको मुख के रोग नहीं सताते हैं, कभी उनके मुख के रोग नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कभी कलश यात्रा निकले तो कभी संकोच नहीं करना चाहिए, ना मेरे माताओं को, ना भाइयों को, ना भाई बंधुओं को, ना बहनों को, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जब भी कलश यात्रा हो बढ़िया बढ़ चढ़ करके साथ देना चाहिए। ए? आज मुझे लग रहा था कि सेमरा ग्राम में कितनी एकता है, कितना प्रेम है एक दूसरे के प्रति, कि सभी भाव से कलश यात्रा में झूमते हुए चल रहे थे। कहीं कहीं थाली सजाए हुए मेरी माताएं पूजन कर रही हैं, तो कोई कोई दरवाजे में ही प्रणाम कर रही है। हमें 7 दिन ऐसा लगना चाहिए मेरे भाई बहन कि ये पंडाल में तो कथा हो रही है, पर हर भक्त के घर घर में कथा चल रही है, हम सबके घर में कथा चल रही है। ऐसा भाव सेमरा ग्राम में हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। शाम के समय घर घर में दीपक जलना चाहिए। दरवाजे में बढ़िया क्या करोगे? गौ माता के गोबर से लीप दोगे, चाहे सुबह ही कर देना लिपाई का काम, सुबह बढ़िया गोबर से लीप देना। क्यों? अभी आपको कथा में हम बताएंगे गौ माता के गोबर में किसका वास है। आज तो लोग टाइल्स से लगवाने लगे हैं, घर में एक जगह भी नहीं छूटती है बिना टाइल्स के। बूढ़ी बूढ़ी सयानी सयानी दादी आए डोकरी और पैर पिसल जाए तो समझो 356 टांके लगवाने पड़ते हैं। हाथ फूटे, खोपड़ी फूट जाए, पहले क्या करते थे लोग? गौ माता के गोबर से लीपते थे। किससे? गौ माता के गोबर से। आज कल की नई नई जो बहुएं आई, हाँ मेरा हाथ बदबू दे देगा, बदबू दे देगा हाथ, और ये नहीं पता है कि गौ माता के गोबर में किसका वास है। मेरे प्यारे, गौमूत्र में किसका वास है? क्यों लीपा जाता था पहले गौ माता के गोबर से? इसलिए लीपा जाता था बंधुओं कि गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। किसका वास है? जोर से बोलो, और जोर से, लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए घर के दरवाजे में गोबर से लीप देना है और सुंदर दोनों तरफ दीपक जलाना है। क्या जलाना है? जैसे यहां से कथा सुनकर के जाना, सुंदर दो दो दीपक दोनों दरवाजे के सामने जलाना, तुलसी माता के नीचे जलाना, अपने देवालय में जलाना। और मेरे प्यारे, एक दीपक जलाने का कितना महत्व है, हम तो धीरे धीरे आपको कथा में तो श्रवण करवाएंगे ही, पर इन नियमों का आप प्रारंभ कर देना आज से ही। यह शिव महापुराण की जो कथा आई है ना बंधुओं,
ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह शिव महापुराण है। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। क्या होता है? शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। जीवन में अगर जो कल्याण चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। कल्याण की भावना है तो शिव महापुराण की कथा को सुनो बंधु। चंचुला ने देखा ये माताएं सुंदर महादेव को कोई जल चढ़ा रही है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई दीपक से आरती कर रही है, कोई वस्त्र पहना रही है, कोई भोग लगा रही है। चंचुला दूर से आरती करते हुए, पूजन करते हुए देख रही थी। बंधुओं, हम नकल बहुत करते हैं लोगों की, बहुत नकल करते हैं, परंतु जब असलियत में नकल करने का समय आता है तब नकल नहीं करते हैं। जब असलियत में नकल करने का समय आता है तब नकल नहीं करते हैं। जिससे बुद्धि बिगड़ने वाली होती है, जिससे जीवन भ्रष्ट होने वाला होता है, नरक बनने वाला होता है, उस चीज की हम नकल जरूर करते हैं। चंचुला ने देखा यह माताएं सुंदर पूजन करके और अपने अपने भाव प्रकट करके महादेव का, और वहां से गोकर्ण क्षेत्र से आगे चलने लगी। और कहां गई तो गोकर्ण क्षेत्र में ही ऐसे ही दिव्य पंडाल लगा हुआ था, बड़ा सुंदर पंडाल लगा हुआ था। और वहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी बंधुओं। आहा, शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते वह माताएं विभोर हो गईं। और संत जी बता रहे थे उस कथा में, यो सीताम जार सक्तायाम नरकेयम किंकर कथा समाप्तो सना नारी निर्गते सो जने सुचा वेतारह सीतम प्राह सैवं वाचनं दुजह। दुजह ब्राह्मण जो है वह कथा को श्रवण करवा रहे थे, सारे नर नारी जो है कथा को श्रवण कर रहे थे। और उस कथा में वह ब्राह्मण, वह संत जी बता रहे थे कि जो जैसा पाप करता है उसको वैसे ही नरकों में जाना पड़ता है। जो पर स्त्री ग्रामी है उसे यम के जो दूत हैं वह लोहे के मूसल जो हैं बार 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 शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। हे बंधुओं, संत जी कह रहे थे कि जो पाप करता है उसको वैसे ही यातना मिलती है। यातनं तत्र महातीव्रं दुःखदं च विशेषतः। जैसे जो कर्म करता है बंधुओं उसको वैसे ही यातना भी दी जाती है, और उस यातना में फूल नहीं चढ़ते हैं, उस यातना में दुख होता है, कष्ट होता है। अब ये चंचुला कथा को श्रवण कर रही थी और यह कथा सुनते सुनते विलाप करने लगी, रोने लगी। अरे याद रखना, जीवन में पाप हर व्यक्ति करता है लेकिन मुक्त नहीं हो पाता है। कारण क्यों? पाप तो हुआ लेकिन उस पाप का हम प्रायश्चित नहीं करना चाहते हैं। उस पाप में हम यही नहीं भाव प्रकट कर पाते कि हमने पाप किया है, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आज चंचुला ने जब सुना कि यह पाप करने से इन दुखों को भोगना पड़ता है, यातनाएं मिलती हैं, यम के दूत बहुत कष्ट देते हैं, तो मेरे भाई बहन क्या हुआ? आज जैसे ही संत जी कथा श्रवण करवाने के बाद
मंच के नीचे आए तो चंचुला धड़ाम से गिर गई और संत जी के चरणों में अपना माथा रख दिया। संत जी ने कहा, चंचुला क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इसने कहा, हे महाराज, मैं अधम हूं, मैंने पाप बहुत किया है। मैं दीर्घ काल तक, जब तक मेरा यौवन था, मैंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसको। मैंने बहुत पाप किया है, मैं तो मारी गई, अब मुझे तो नरक जाना पड़ेगा। संत जी ने कहा, चंचुला तुम स्वीकार कर ली ना तुमने कि पाप किए हो? हाँ महाराज, मैंने पाप बहुत किया है। चंचुला रो रो करके संत जी को बताने लगी है। क्या कह रही चंचुला? बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, अब रह गया थोड़ा जीवन, इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारे, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। हे नाथ, जिनके लिए मैंने यह सारे पाप कमाए, मैंने उनसे ही धोखा खाया है, इसलिए अब मैं आपके चरणों में गिर पड़ी हूँ, आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आप मेरे उद्धार का रास्ता दिखाइए। और याद रखना बंधुओं, जीवन में हर व्यक्ति पाप करता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रही है, मेरे महादेव कह रहे हैं कि एक भरोसा है आपको, एक भरोसा है। कौन? संत जन। जो कथा सुना रहे हो, आप उनके शरण में चले जाना, उद्धार का रास्ता बता देंगे। किसका रास्ता बता देंगे? उद्धार का रास्ता बता देंगे, मुक्ति का रास्ता बता देंगे। संत जी प्रफुल्लित तो हो गए और कहा, चंचुला तुम दुखी मत हो, आज से ही कथा प्रारंभ हुई है। क्या कहा? आज से ही कथा प्रारंभ हुई है चंचुला, तुम दुखी मत हो ना। क्या करूं मैं? संत जी ने कहा, चंचुला ये गोकर्ण क्षेत्र है ना, हाँ, यहाँ जाना, डुबकी लगाना, स्नान करना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और स्नान करना, इसके बाद सुंदर शरीर में भस्म को धारण करना चंचुला, रुद्राक्ष को धारण करना चंचुला, और मुख में श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, जोर से बोलो आप लोग, श्री शिवाय, जोर से और बोलो, श्री शिवाय, श्री शिवाय। हाँ चंचला, मुख में तुम्हारे मेरे महादेव का नाम होना चाहिए, माथे पे भस्म होना चाहिए शरीर में, और रुद्राक्ष धारण कर लेना। चंचुला तू माना, क्या करना? पंडाल में झाड़ू लगाना, जहां पंडाल बना है ना, यहाँ बैठ कर बैठना नहीं, पहले यहाँ झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना चंचुला, यहाँ की साफ सफाई करना, और जो भी आए हाथ जोड़ करके बैठाना, भैया
मेरे महादेव की कथा चल रही है, आप बैठो, हाथ जोड़ जोड़ करके उससे बैठाना। चंचुला, जब तक कथा चले तुम ध्यान से कथा को श्रवण करना। अब तो चंचुला ऐसे कर रही है मेरे भाई बहन, क्या करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद गोकरण क्षेत्र जाती है, सुंदर स्नान करती है, अपने शरीर में भस्म लगाती है, रुद्राक्ष को धारण की हुई है, बड़ी 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 जटाएं हो गई हैं चंचुला के। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बस मुख में एक ही नाम है चंचुला के। अब बस दिन रात इसी मंत्र का जाप कर रही है, क्या कह रही है, नमः शिवाय, बस मुख में मेरे महादेव का नाम है। याद रखना बंधुओं, ध्यान से कथा को सुनना, जिसके माथे में मेरे महादेव का तिलक होता है, जिसके माथे पे मेरे महादेव का तिलक होता है, शरीर में रुद्राक्ष होते हैं, शरीर में रुद्राक्ष होता है, अब मुख में ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है, उसको कभी दूत नहीं आते हैं लेने के लिए, उसके पास तो मेरे महादेव के गण आते हैं लेने के लिए बंधु, उसको तो मेरे महादेव के गण आते हैं। और जिसने एक बार भी शिव महाकथा, प्रमाण है मेरे प्यारे, ये शिव महापुराण जो कथा सुन रहे हो आप, यह प्रमाण है कि एक बार भी श्रद्धा से लगन से ये सातों दिन तक आप लगातार मेरे महादेव की कथा को सुनिए, इसके बाद जब भी आपका जाना होगा तो मेरे भाई बहन उस दिन यम के दूत नहीं आएंगे, उस दिन कौन आएगा, उस दिन मेरे महादेव के पार्षद आएंगे बंधु, मेरे महादेव के पार्षद आएंगे, मेरे महादेव के गण आएंगे आपको लेने के लिए। बस सात दिन आपको सार्थक करना है। चंचुला क्या कर रही है, सुबह उठ जाती है, सेवा 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 करती है, बुहारी लगाती है, सफाई करती है, स्नान करती है, भस्म को धारण कर रही है और रुद्राक्ष को पहनी हुई है और मुख में मेरे महादेव का नाम है। एक दिन कथा विश्राम हो गई, दो दिन कथा विश्राम हो गई बंधुओं, तीन दिन कथा विश्राम हो गई, अब तो चंचुला को आनंद आने लगा, चंचुला का धीरे धीरे अब महादेव से स्नेह हो गया, महादेव से प्रेम होने लगा, अब तो कथा से जुड़ गई चंचुला मेरे भाई बहन। और क्या हुआ, जब अंतिम समय में हुआ मेरे बंधुओं, कथा विश्राम हो गई और जब चंचुला का जाना हुआ तो साक्षात आज पार्वती मैया ने विमान भेजा है, क्या भेजा है, विमान भेजा है पार्वती मैया ने। और जब विमान भेजा उसमें चंचुला बैठी है और विमान में बैठ करके गई है, बोली शंकर भगवान की जय हो। जब चंचुला गई है तो साक्षात पार्वती मैया स्वागत करने के लिए खड़ी थी मेरे भाई बहन, और चंचुला के माथे पे तिलक लगाया और कहा आओ चंचुला, सुंदर कैलाश का चंचुला दर्शन कर रही है, और दर्शन करते 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 मेरे महादेव का दर्शन इसने किया है, किसका दर्शन किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि।
कर्पूर कपूर के समान मेरे महादेव कैलाश में विराजमान हैं और पांच मुख हैं महादेव के। हर एक मुख में त्रिनेत्र धारण किए हुए सुंदर जटा है महादेव की और चंद्रमा जटाओं में सोह रहा है। कल कल निनाद करते हुए गंगा मैया जटाओं में धारण किए हैं मेरे महादेव। त्रिशूल को लिए हुए श्वेत वस्त्र को पहने हुए महादेव इसने जब दर्शन किया मेरे प्यारे यह निहाल हो गई, निहाल हो गई। पार्वती माँ ने कहा आओ सखी, और आज इसी चंचुला को पार्वती मैया ने क्या बना लिया, अपनी सखी बना लिया। क्या बना लिया, अपनी सखी बना लिया। याद रखना बंधुओं, चंचुला क्या थी, इसने पाप किया था। क्या किया था, इसने पाप किया था और ऐसे पाप किया था कि इसकी मुक्ति असंभव हो गई थी। लेकिन धन्य है यह शिव महापुराण की कथा, धन्य है यह कथा जो महादेव की है। यह महादेव की जो कथा श्रवण कर लेते हैं बंधुओं, उसको सरलता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके शरीर में पाप बचते नहीं है। इसलिए सात दिन तक लगातार आप कथा को श्रवण करना। चंचुला अब पार्वती मैया के पास में रह रही है, लेकिन बहुत दिन हो गया तो पार्वती मैया ने देखा कि चंचुला का मन यहां भी नहीं लग रहा है। प्रेम से बोलो हर महादेव। पार्वती मैया ने देखा कि चंचुला का मन यहां भी नहीं लग रहा है, तो जब आज चंचुला प्रणाम करने के लिए आई ना पार्वती मैया को, तो पार्वती मैया ने पूछा अरे चंचुला, क्या मेरे पास में रह करके भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। चंचुला कहती है विरक्त धीरम जातस्य विषया व्यक्त सर्वतः सुश्रद्धा महती देवी श्रद्धा रूपेण धुना। हे मैया, अगर जो आप मुझसे प्रसन्न है ना, आप मुझ पर कृपा करने वाली हैं, मेरे ऊपर करुणा करने वाली हैं, मुझे अपनी सखी बनाने वाली है, तो हे माँ आपके संग में मैं तो हूं, लेकिन मेरा मन इसलिए नहीं लग रहा है कि चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन बिंदुक मेरा पति था। कौन था, पति था। और हे माँ अगर जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप पता लगाइए कि मेरा पति कहाँ है। प्यार से बोलो मेरा पति कहाँ है। हे गौरी मैया, श्रृंगार तेरा लाल है। हे माँ तू शक्ति है, तू कृपा रूप है, तू माँ है, इसलिए हे माँ अगर जो आप प्रसन्न हैं, तो पता लगाओ मेरा पति कहाँ है। जब माँ ने ध्यान से देखा तो क्या देखा, बिंदुक जो ब्राह्मण था वह पिशाच बन गया है, पिशाच बना हुआ है मेरे भाई बहन, और यह पर्वतों के ऊपर भटक रहा है, यहां वहां भटक रहा है। पार्वती माँ ने कहा है चंचुला, तुम्हारा जो पति है वह पिशाच बन गया है। पिशाच, हाँ। हे माँ मेरे, जिस तरह से आपने महादेव की कथा प्रदान करके मुझे मुक्त किया है, हे माँ मेरे पति को भी आप शिव की कथा दे करके उनको भी मुक्त कर दीजिए। पत्नी कौन है मेरे भाई बहन, जो पति के हर प्रकार से सहयोग करती है, इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है।
क्या कहा गया है? धर्म पत्नी कहा गया है जो पति का हर प्रकार से सहयोग करती है, लेकिन गलत कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है आज मेरे माधव जी धर्म पत्नी के साथ में, जोड़े के साथ में कथा का श्रवण कर रहे हैं, हैं? इसी तरह से मेरे भाई बहन आप समस्त ग्रामवासी जो है, नगरवासी, क्षेत्रवासी जो है, यह आपकी स्वतः की कथा हो रही है। पहले दिन थोड़ा कष्ट होता है बैठने में, हैं? कभी पैरों में दुख होता है, कभी घुटनों में तकलीफ होती है, कभी कमर में, लेकिन धीरे धीरे आप कथा को सुनते रहेंगे तो फिर दर्द भूल जाएंगे, क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं है ना, इसलिए तो धीरे धीरे आप बैठने का अभ्यासी भी बन जाएंगे और तकलीफें भी कम हो जाएंगी। चंचुला जो है पार्वती मैया से प्रार्थना कर रही है और कह रही है, हे गौरी मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हे गौरी मैया, हे गौरी मैया, हे गौरी मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हे गौरी मैया श्रृंगार तेरा लाल है। दोनों हाथ उठाते हैं, भाव से गुनगुनाइए, हे गौरी मैया श्रृंगार तेरा लाल है, 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 गौरी मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हे 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 गौरी मैया श्रृंगार तेरा।
श्रृंगार तेरा लाल है। हे गौरी मैया 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 श्रृंगार तेरा लाल है। चरण भी लाल है। हे गौरी मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। शक्ति मैया की जय। आज चंचुला ने तब आज आदि शक्ति माँ प्रसन्न हो गई है और सुंदर गंधर्व राज को बुलाया है। किसको? तुमरुका जी को। किसको बुलाया है? तुमरुका जी को। जैसे नारद जी नारायण 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 गाते रहते हैं ना, जैसे नारद जी भगवान नारायण की गाथा को गाते हैं, वैसे ही तुमरुका जी किसकी गाथा गाते हैं? मेरे महादेव की। किसकी गाथा गाते हैं? मेरे महादेव की। आज पार्वती मैया ने तुमरुका जी को बुलाया है। और याद रखना, शिव महापुराण कहते हैं बंधुओं, तुमरुका जी का इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि शिव महापुराण में उल्लेख है कि जिनके गर्भ ठहरते ना हो, ध्यान से सुनना, जिनके गर्भ ठहरते ना हो, शिव महापुराण कहती है जैसे बच्चा गर्भ में आ जाता हो और ठहर ना पा रहा हो, या जिसके संतान हो ही नहीं रही है, जिसके संतान नहीं हो रही है, उसे क्या करना चाहिए? शिव महापुराण कहते हैं बंधुओं, उसको शिवरात्रि जानते हैं ना, अभी आने वाली जो शिवरात्रि, ध्यान से सुन लेना, एक एक बात शिव महापुराण की मेरे प्यारे प्रमाण है। शिवरात्रि जो आने वाली है, उस शिवरात्रि में सफेद पुष्प होता है ना, और उसमें फल भी लगते हैं, कांटे वाले फल बड़े बड़े लगते हैं, मदार कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कांटे बड़े बड़े फल लगता है, इतने बड़े फल लगते हैं, और सफेद फूल होता है छोटा सा, मोटा फूल होता है, ठीक है,
हाँ धतूरा, आपके यहाँ धतूरा कहते हैं, मदार ही कहते हैं उसको। मोटा फूल होता है, छोटा सा, ठीक है, और कांटेदार उसमें फल लगते हैं, कांटेदार फल लगते हैं। उसकी जड़, ध्यान से सुनना, उसकी जड़ शिवरात्रि के एक दिन पहले लाना है, उस वृक्ष को प्रणाम कर लेना है कि हम आपकी जड़ को लेने वाले हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करना, कृपा करना, ठीक है। उसकी जड़ को एक दिन, कितनी जड़, ज्यादा भी नहीं कि पेड़ नष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं करना, छोटा सा टुकड़ा जड़ का, छोटा सा, उसको लेकर के आना है। आज शिवरात्रि के जब आप भजन पूजन करते हो तो महादेव के ऊपर रख देना है, उसी के ऊपर से अभिषेक करना है, सुंदर जल चढ़ाना है, आरती पूजन करना है, अब पूरी रात वो महादेव के ऊपर चढ़ा रहेगा, ठीक है। और जब शिवरात्रि हो जाएगी उसके दूसरे दिन काले धागे से या तो लाल धागा से, आपको जिनके यहाँ संतान न हो रही हो उनको जाकर के कमर में बांध देना है। अहे मेरे प्यारे, जब यह आप नियम कर लेंगे तो याद रखना मेरे महादेव अद्भुत कृपा करेंगे, अद्भुत कृपा करेंगे। जब बजाना जोरदार बजा लो फिर। प्रेम से बोलो हर महादेव। तो मेरे भाई बहन, शिवरात्रि के दिन, दिन का याद रखना और उसके एक दिन पहले का ध्यान रखना, ठीक है, उसके एक दिन पहले का ध्यान रखना, शिवरात्रि के दिन जो रात्रि में पूजन होगा, और उसके एक दिन के बाद में ही यह कार्य करना है, बांधना है, ठीक है। तुमरुका जी को माँ ने बुलाया है और कहा जाओ, तुमरुका जाओ, और बिंदु को मेरे महादेव की कथा को प्रदान करो। तुमरुका जी तो प्रसन्न हो गए और मेरे प्यारे महादेव का नाम संकीर्तन करते हुए तुमरुका जी पहुंचे हैं पर्वत में। और जैसे ही इसने देखा तो क्या हुआ, ये रोने लगा। बिंदु जो प्रेत बना हुआ था, ये प्रेत रोने लगा, कभी छोटा बन जाता है तो कभी विशाल का शरीर धारण कर लेता है, कभी हवा चलती तो उड़ने लगता है। तुमरुका जी ये सब देख रहे थे कि ये एक जगह बैठ नहीं सकता है, ये हवा के माध्यम से उड़ता रहेगा। तो आज मंत्र का वाहन करके कमंडल से जल लिया और उस प्रेत के ऊपर छोड़ा। आज जैसे ही प्रेत के ऊपर छोड़ा तो मेरे भाई बहन वह स्थिर हो गया, मंत्रों के द्वारा वह स्थिर हो गया। और तुमरुका जी ने महादेव की धीरे धीरे इसको कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब वहां के क्षेत्र के लोगों को पता चला तुमरुका जी आए हैं, महादेव की शिव महापुराण की कथा श्रवण करवा रहे हैं, जो पापों से नष्ट करने वाली तो है ही है, जो जीते जी मुक्ति तो दे ही रही है, लेकिन कदाचित कोई संसार से चला गया है और उसको भी आवाहन करके बैठाया जाए अगर जो मेरे भाई बहन, तो यह कथा उसको भी मुक्त करने वाली है। यह शिव महापुराण उसको भी मुक्त करने वाली है। और याद रखना, इस पंडाल में आप बस कथा नहीं सुन रहे हैं, इस पंडाल में जो गई हुई आत्माएं हैं मेरे प्यारे, जहां तक यह शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, और जहां तक आवाज जा रही है श्लोकों की और शिव महापुराण की कथा की, तो आपका उद्धार तो होना ही होना है। लेकिन जिसके जिसके कान में कथा पड़ रही है, जो भटके हुए जीव हैं, जो संसार से भी चले गए हैं, उनका भी उद्धार ये कथा कर रही है, उनका भी ये कथा मंगल कर रही है मेरे प्यारे। इसलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा जो हम करते हैं ना, और ऐसे जब भव्य आयोजन हम करते हैं, तो अपने घर वालों का, परिवार वालों का, ग्राम वासियों का, नगर वासियों का, क्षेत्र वासियों का, और जो भटकी हुई आत्मा है, हम उसका भी उद्धार कर देते हैं,
उसका भी मंगलमय करते हैं। और उनका जब वह उद्धार हो जाते हैं बंधुओं, जो आशीर्वाद उनका फिर हमें प्राप्त होता है ना, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जब भी मन में आए कि हमें धर्म करना चाहिए, हमें कथा सुननी चाहिए, तो फिर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, सुनना है तो सुनना है। और जीवन में एक बार तो शिव महापुराण अवश्य श्रवण करनी चाहिए बंधु। आहा, पता चला तुम रुका जी आए हैं। हाँ भैया, चलो चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? अरे कथा सुनने जा रहे हैं। किसकी? शिव महापुराण की। हे मेरे प्यारे, जोर सुनता है अब, वह भागा दौड़ा चला आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है। याद रखना, शिव महापुराण के लिए मेरे माधव जी ने तो सबको बुलाया ही है, आवाहन तो किया ही है बंधुओं, लेकिन याद रखना महादेव किसके हैं? सच्चे दिल से बताना, जल्दी बताओ महादेव किसके हैं? आप सबके हैं कि नहीं है? बोलो हाँ, जोर से बोलो, है कि नहीं है? है ना? तो ये बताओ, जब महादेव हमारे हैं तो महादेव की कथा किसकी है? हमारी ही तो है। किसकी है? हमारी है। तो अपने घर में क्या बुलाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, है? नहीं पड़ती ना। तो जब घर से कल से चलोगे ना 1 बजे बंधुओं, तो सबको बुलाते हो, चलो कथा चल रही है, एक भी घर में कोई ना बचे, ठीक है ना? हाँ, किसकी कथा चल रही है? मेरे महादेव की, कैलाशवासी की कथा चल रही है, जो हम सबको आनंदित करने वाली है। चलो कथा चल रही है, मेरे महादेव की कथा सुनाने के लिए महादेव के गण आए हैं, चलो कथा सुनने के लिए चलो। अब तो जो सुनता है प्यारे, वह भागा चला आ रहा है, वह दौड़ते हुए चला आ रहा है। जैसे व्यक्ति बहुत प्यासा हो और उसको उसने नाम सुन लिया है कि जल वहाँ मिल रहा है, तो फिर वो दौड़े हुए आता है कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझाऊं। क्या बुझाऊं? पहले तो मैं अपनी प्यास बुझाऊं। और याद रखना, शिव महापुराण का जो प्यासा है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो जहां भी जगह मिल जाए बस बैठ जाता है, और उसके कानों में बस आवाज पहुंचनी चाहिए। क्या पहुंचनी चाहिए? कानों में सिर्फ आवाज पहुंचनी चाहिए। आहा, तुम रुका जी कथा सुनाने लगे, और संपूर्ण क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी कथा को श्रवण करने लगे। और मेरे प्यारे, जब कथा धीरे धीरे विश्राम होने लगी, जब कथा विश्राम हो गई, तो आज भव्य एक विमान प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ? विमान प्रकट हुआ। और उस विमान में मेरे भाई बहन, जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो सब क्या देख रहे हैं कि जहाँ प्रेत बंधा हुआ था, तुम रुका जी, जहाँ प्रेत को मंदिर से बांधे हुए थे, वह बाधा जो थी वह खुल गई, और वहाँ से एक सुंदर तेज का पुण्य जो है, पुंज जो है, वह प्रकट हो रहा है, चतुर्भुज रूप में वह प्रकट हुआ। कौन है ये? ये वही प्रेत है। कौन है ये? वही प्रेत है जो बिंदुक प्रेत बना था, ये वही प्रेत है मेरे प्यारे। और धन्य है यह शिव महापुराण की कथा, जिसको धीरे 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 श्रवण करते 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 आज जब कथा विश्राम हुई, तो यह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलिए शिव महापुराण की। यह प्रकट हो गया, रोते हुए मेरे महादेव के गुणानुवाद को गा रहा है। धन्य है यह शिव महापुराण की कथा,
जो जीते जी सुनेगा उसका तो उद्धार करेगी ही करेगी, लेकिन जो संसार से चला गया है अगर जो उसके निमित्त भी यह कथा करवाई जाए और इस कथा को श्रवण करवाया जाए तो मेरे बंधुओं यह कथा उसका भी उद्धार कर देती है। जब मुझ जैसे पापी का उद्धार हो गया, पिशाच का उद्धार हो गया, यह शिव महापुराण की कथा सबका उद्धार कर देगी, सबको मुक्त कर देगी। और महादेव का नाम गुनगुनाते गुनगुनाते यह विमान में विराजमान हो गया भाई बहन, और वह विमान सीधे मेरे महादेव के धाम को पहुंचा दिया। यह उतर करके अंदर गया और क्या देख रहा है, मेरे महादेव अपने सिंहासन में विराजमान हैं, आसन में आए, आहा त्रिनेत्रधारी हैं मेरे महादेव, श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, मुखार बिंद में तेज है, चमकता हुआ चेहरा मेरे महादेव का, आहा। जब इसने देखा तो दंडवत प्रणाम किया मेरे महादेव को। जब मेरे महादेव को प्रणाम किया ना मेरे भाई बहन, तो आज मेरे महादेव इसको अपना गढ़ बना लिए हैं। क्या बना लिए? अपना गढ़ बना लिए हैं। देखो तो सही, कहां प्रेत योनि में कहां कितना पाप किया था इसने अपने जीवन काल में, और कहां प्रेत बना हुआ भटक रहा था। और ऐसी महापुराण की कथा को देखो तो सही। और याद रखना, जीवन में सब कर लेना बंधुओं, लेकिन कभी भी अपनी धर्म पत्नी का अपमान नहीं करना। अधर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का अपमान नहीं करना। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा है पता है? पति और पत्नी का रिश्ता ऐसे है प्यारे कि जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हैं? गाड़ी का पहिया देखा है आपने? एक पंचर हो जाए तो चलेगी क्या? चलेगी? नहीं चल सकती है। इसी तरह से पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह मिलकर के चलने वाला होता है, एक दूसरे का सहयोग देकर के चलने वाला होता है, एक दूसरे के स्नेह से चलने वाला होता है। अगर जो चंचुला माँ से प्रार्थना ना करती तो क्या इसका उद्धार होने वाला था? इसीलिए मेरे भाई बहन पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। बोले शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया की, आहा। आज दोनों का उद्धार हो गया और मेरे महादेव ने अपना इसको गण बना लिए। तो पार्वती मैया ने चंचुला को क्या बनाया? अपनी सखी। जया विजया का नाम सुना है? जया विजया किसकी सखी है? पार्वती मैया के। वो जय विजया कौन बनी है? यही चंचुला जो है। क्या बनी है? पार्वती मैया की सखी बनी है। याद रखना, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, बहुत अकाल मृत्यु होती है। शिव महापुराण कहती है बंधुओं, पिता अपनी बेटी के साथ में एक बार भी प्रसाद पा लेता है। एक बार भी पिता अपनी बेटी के साथ में प्रसाद पा लेता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अकाल मृत्यु। जैसे समय से पहले चले जाना, समय से पहले चले जाता है जो व्यक्ति। धीरे धीरे ध्यान से सुनना, अपनी बच्चियों से स्नेह करो, अपनी बेटियों से स्नेह करो। जब बेटी अपने पिता के साथ में प्रसाद पाती है तो अकाल मृत्यु जैसे दुर्घटना भी टल जाती है बंधुओं। क्या टल जाती है? अकाल मृत्यु जैसे दुर्घटना भी टल जाती है। शिव महापुराण कहती है एक बार, चाहे एक बार ही सही, लेकिन हमें बेटी के साथ में प्रसाद पाना चाहिए। हर हर महादेव। जब ये कथा सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया, आहा, समस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। अरे का वाह महा सूत जी महाराज,
आपने मेरे महादेव की इतनी सुंदर लीला को श्रवण करवाई कि चाहे जैसा पापी हो उसका उद्धार हो जाता है। सूत सूत महाप्रज्ञ व्यास शिष्य नमस्तुते, व्यास शिष्य नमस्तुते। हे व्यास जी के शिष्य, हे सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। और याद रखना, जीवन में जिससे हमें उद्धार का रास्ता मिलता हो ना, उसके चरणों में प्रणाम कर लेना, सिर झुका देना। क्यों? जब वह आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, आपके कर्म से प्रसन्न हो जाएंगे बंधुओं, तो फिर वह रास्ता बताएंगे कि हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। सूत जी महाराज से ऋषि कह रहे हैं, हे नाथ, आपने हमें यह कथा की महिमा तो बता दिए, परंतु हमें यह भी बता दीजिए कि यह कथा किस तरह से श्रवण करनी चाहिए, किस विधि के अनुसार श्रवण करना चाहिए। आज पहला दिन है ना? कौन सा दिन है? पहला दिन। कथा कितने दिन चलेगी जल्दी बताओ? ऐ, 7 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 7 दिन चलेगी। आज प्रथम दिन है। आज जो नियम बताए जाएंगे इसको 7 दिन निभाना है। क्या निभाना है? 7 दिन। निमित्त बनकर के माधव जी तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन आप सब कथा सुन रहे हैं बंधु। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये कथा सबके द्वारा हो रही है, सबके द्वारा हो रही है, सबके लिए हो रही है। क्या हो रही है? सबके द्वारा हो रही है और सबके लिए हो रही है। अब छोड़ो, ये हम सबके लिए ही कथा हो रही है, ये हमारी कथा है। आज हम अपने घर में कथा करते तो कितनी तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं, करते हैं ना? कितनी तैयारियां हम करते हैं। इसी तरह से इस कथा के लिए भी आपको घर घर में तैयारियां चाहिए। घर घर में लगे कि मेरे महादेव की कथा हो रही है, मेरे महादेव मेरे घर में निवास कर रहे हैं, मेरे महादेव मेरे घर में निवास कर रहे हैं। आप महादेव को जल चढ़ाते हो ना? जल चढ़ाते हो, परंतु यह नहीं पता है कि किसका नाम लेकर के महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। यह भी नहीं पता है कि जल है कौन। मेरे महादेव इतना जल क्यों स्वीकार करते हैं? ध्यान से सुनना, मेरे महादेव को जल इतना प्रिय क्यों है? कभी विचार किया है आप लोगों ने? हैं? मेरे महादेव को जल इतना प्रिय क्यों है? भाई बहन, मेरे महादेव को आप जाते हैं और जो देवता हैं उनके पट बंद हो जाते हैं, उनको श्रृंगार चाहिए, इतने बजे भोग लगना ही लगना चाहिए, और मेरे महादेव के मंदिर में आप जब चाहो तब चले जाओ और एक लोटा लेकर के जल जाओ और हर हर महादेव करके चढ़ा देते हो। चढ़ा देते हो कि नहीं चढ़ा देते? लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि किसका नाम लेकर के जल चढ़ाना चाहिए और ये जल है कौन जिससे मेरे महादेव इतना प्रसन्न रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस जल तत्व से? यह जल कौन है? बताएंगे बंधु, एक एक बात बताऊंगा। अच्छा बताओ, पहली बार महादेव का पूजन किसने किया है? आप लोग पूजन करते हो ना? नहीं करते हो? करते हो। पहली बार मेरे महादेव का पूजन कौन किया है? अच्छा ये बताओ कि पहली बार मेरे महादेव कहाँ प्रकट हुए हैं? जो महादेव है ना, हमारे महादेव, तो पहली बार कहाँ प्रकट हुए हैं? एक एक बात आपको पता चलेगी बंधु, एक एक बात पता चलेगी। ये जो कलसा लगे ना, कलसा देख रहे हो ना सामने है ना कलश? हाँ महाराज, हम तो आज सर में लेकर के ही चले हैं कलश। तो आप आमा की टेरी लगाते हो ना, आम पत्ते की ये टेरी लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? अरे महाराज, जो भी शुभ काम होता है हमारे घरों में तो हम तो आम की टेरी ही लगाते, बढ़िया मंगलकार होते हैं। हाँ होते तो हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? आम के टेरियों में, आम के पेड़ में ऐसा क्या है? और भी पत्ते लगा लेना चाहिए ना,
बबूल के पत्ते आ रहे हैं उसके लगा लेना चाहिए, बरगद के पत्ते भी आ रहे हैं उसके भी लगा लेना चाहिए, हैं? कई कांटेदार पत्ते आ रहे हैं उसका भी लगा लेना चाहिए, लेकिन आम के ही पत्ते क्यों लगाते हैं? प्रमाण है मेरे प्यारे, हर एक चीज का प्रमाण है, बस लगातार आप कथा को सुनते रहो। यह कथा एक भी हमसे वंचित नहीं रहनी चाहिए, एक भी समय हमसे छूटना नहीं चाहिए, एक से पांच यानी एक से पांच पंडाल में ही रहना है। प्रेम से बोलो तो हे महाराज, हमें विधि और बता दीजिए श्रवण करें। तो सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों पहली बात तो आपको अगर जो कथा किसी निमित्त के अनुसार करवा रहे हों, जैसे आप कथा घर में करवा रहे हैं किसी निमित्त के कारण, कोई संकल्प है आपका, तो सुंदर मुहूर्त दिखवाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? सुंदर मुहूर्त दिखाना चाहिए। और अगर जो कथा सबके कल्याण के लिए करवा रहे हैं, अगर जो कथा सबके कल्याण के लिए करवा रहे हैं, तो मेरे प्यारे फिर मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, फिर मुहूर्त की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सबके लिए कथा है तो मेरे महादेव तो हर के दिन हैं। कौन हैं? इस शिव के बिना तो जीवन अधूरा ही है बंधुओं, शिव के बिना तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर जो सबके निमित्त कथा करवाई जाए, सार्वजनिक कथा का जो करवाई जा रही है, तो फिर मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। तो बढ़िया सा सुंदर सा मुहूर्त दिखवाना चाहिए। अगर जो आप घर में कथा सुन रहे हैं, दोनों पक्ष बता रहा हूँ, सार्वजनिक भी जो कथा हो रही है उसके लिए भी बता रहा हूँ, और जो पर्सनल अपने घर में कथा सुनना चाह रहे हैं उसके लिए भी बता रहा हूँ। तो बढ़िया मुहूर्त दिखा करके और तारीख निश्चित करनी चाहिए, ठीक है? और बढ़िया निमंत्रण कार्ड, भैया निमंत्रण कार्ड छपवा करके, या तो फिर चावल को सुंदर हल्दी से रंग करके, चावल को हल्दी से रंग करके सबके यहाँ निमंत्रण देना चाहिए, और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से, भैया हमने कथा करवाई है आप जरूर आना, भाव से सभी को निमंत्रण देना चाहिए, और सुंदर पंडाल बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? सुंदर पंडाल बनाना चाहिए। जब पंडाल बन जाए तो फिर उस पंडाल के सुंदर नीचे जमीन में गौ माता के गोबर से छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौ माता के गोबर से गोबर और जल को घोल करके और सुंदर छिड़काव करना चाहिए कि जहाँ की जहाँ कथा हो रही है वह जमीन पहले पवित्र हो जाए, और इसके बाद में सुंदर केले के पत्तों का तोरण बनाना चाहिए। जैसे सामने देखो आप कथा पंडाल के जहाँ गेट लगा है वहाँ केले का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, पहले से व्यवस्था है, तो सुंदर केला लगाना चाहिए। बैठने की उचित सबको व्यवस्था करनी चाहिए, और जब कथा चले मेरे प्यारे, जब तक आप बैठ जाए जब कथा में, तो फिर आपको उठना नहीं चाहिए। कथा में जब बैठ जाएं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हम लग जाते हैं गुठी आने में, और आजकल का ये जो कलयुग है ना, ये मोबाइल है, बैठे कथा में ध्यान लगा कथा सुनते 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 टुनुन 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 टुनुन, अब फोन आया तो उठ के बाहर फिर जा, या तो वही बात करे, तो हो सके तो उतनी देर के लिए बंद कर दो। एक दूसरे से बातचीत कम करना चाहिए, और हो सके तो जो रिश्तेदार हैं या नातेदार हैं या थोड़ी थोड़ी दूरी बना के बैठ जाए, कारण कि जो ज्यादा परिचित के हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के बैठे, कारण कि परिचित के हैं तो बार बार हमें कहेंगे बहनी देख तो सही, वो कहेंगे सुनिए तो थोड़ी हमारी बात, तो एक दूसरे से बात करते रहेंगे, और जहां एक दूसरे से बात की कथा आगे निकल जाती है,
तो कभी भी कथा के बीच में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान से महादेव की कथा को श्रवण करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी कथा की बुराई नहीं करनी चाहिए। कथा हम सुनने आए ना, तो कथा की भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो कथा की बुराई करता है मेरे प्यारे, फिर उसे गधे की देह मिलती है। इसलिए कथा की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और कहाँ महाराज, आप तो यह नियम बहुत अच्छा बता दिए, तो एक नियम और बता दो, क्या खा करके कथा सुने, प्रेम से बोलो, क्या खा करके हम कथा सुने। तो सूत जी महाराज कहते हैं, पहले तो आप घी पी करके कथा सुनो, गौ माता का घी। बोले महाराज घी तो पीले पर पचे कैसे, घी को पचाना कोई सरल बात है। अच्छा अच्छा, तो घी पचेगा नहीं तो एक काम करो, फलाहार रह जाओ। फलाहार? बोले महाराज फलाहार तो रह जाए, अब फलाहार लेने के बाद भी पेट घुरुर घुरुर हो, भूख लगे, तो फिर क्या करें। सूत जी कहते अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक टाइम तो आप फलाहार ले लो और एक टाइम अच्छे से आहार ले लो। हाँ महाराज, परंतु महाराज इतना लेने के बाद भी पेट घुरुर घुरुर हो तो। सूत जी ने कहा पहले आप घुटकी भर खा लो, पहले आप अच्छे से प्रसाद पा लो, पर इतना प्रसाद पाना कि आपको आलस न आए। कितना पाओ, रखिया की बड़ी मिल जाए, नहीं कि चावल दाल रखिया की बड़ी खूब दबा के खा लो, समझ रहे हो। हाँ तो सूत जी कहते हैं इतना प्रसाद पाना, इतना प्रसाद पाना कि आपको कथा श्रवण करने में आलस न आए, ठीक है, आलस न आए। हाँ महाराज, महाराज ये बताइए कि कथा में खर्चा कितना लगना चाहिए, ये यही बात तो अटक जाती है। मेरे पास इतने फोन आते हैं कथा के लिए, इतने फोन आते हैं, लेकिन पहले ही बात यही होती, महाराज पैसा कितना लगेगा। पैसा कितना, क्योंकि सब जानते हैं, भोलेनाथ कृपा से, मेरे गुरुदेव कृपा से मैं 18 पुराणों की कथा करता हूँ, शिव पुराण बस नहीं, शिव महापुराण की कथा, श्रीमद देवी भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा, राम कथा तो अलग से है ही है, तो सारे पुराणों की कथा होती है, जो जिसको सुनता है भक्त, जिनकी इच्छा होती है वो सुनते हैं। यहाँ के, यहाँ जैसे कथा होगी तो यहाँ के बाद में भोपाल में कथा है, भोपाल के बाद में फिर आपके छत्तीसगढ़ में कथा है, श्रीमद भागवत की कथा जोरा तराई उधर कथा है, वहाँ के बाद शहडोल में कथा है, शहडोल के बाद में फिर मार्च अप्रैल तक, मई तक अभी सारे कार्यक्रम जो हैं लगातार चलते रहते हैं। और मेरे प्यारे एक बात बताऊँगा आपको, यह भी कथा आज यहाँ हो रही है ना, तो पिछली बार मैं कोही में आया था, क्यों माता जी, कोही में चल रही थी कथा, पिछले वर्ष कोही में शिव महापुराण की कथा शिवरात्रि के समय में आया था पहली बार इस क्षेत्र में, तभी से यहाँ भक्तों से जुड़ा हुआ। और मेरे प्यारे एक साल के अंदर अंदर हमें लगता है 10 कार्यक्रम हो चुके हैं, दाऊ जी ने पचपेड़ी में भी करवाया, जोरा तराई में, सुपेला में, अभी और भी कार्यक्रम जितने हैं इधर लगे हुए हैं, तो कोही में हमने कार्यक्रम किया था और वहीं से आप सबका जुड़ाव बना। माधव जी भी सुनने के लिए गए थे और पहली बार में ही नारियल दे दिया था, महाराज जी आप हमारे गांव में कथा सुनाइए। आपका भाव इतना निर्मल, और हर समय कोई भी हम बात बोले ना मेरे भाई बहन, इन्होंने अभी तक हमें ये नहीं कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हो जाएगा हो जाएगा। इतना भाव निर्मल, इतना स्नेह, और यही कहते थे मेरे गुरुजी आप हमारे गांव में एक बार कथा करिए, हमारा गांव बहुत बड़ा है और बहुत भावुक लोग हैं, एक बार कथा करिए, सभी जीवन में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। तो ये भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए बंधुओं। तो कथा में कितना धन लगना चाहिए, शिव महापुराण कहती है कि जैसे हम बच्चे का विवाह करते हैं ना, बेटी का विवाह करते हैं तो कितना धन लगाते हैं,
महाराज इतना धन लगाते हैं कि लगता है कि बेटी के घर में कोई कमी ना होने पाए, होता है ना। अब माता पिता तो अपने बच्ची का जब विवाह करते हैं तो यही भाव से करते हैं कि हम इतना दें कि कोई कमी ना होने पाए। तो जो अमीर पिता है वह भी अपनी बच्ची का विवाह करता है, अगर थोड़ा गरीब पिता है वह भी अपनी बच्ची का विवाह करता है, जिसकी जैसे हैसियत होती है। परंतु विवाह तो सभी के बच्ची का होता है। तो मेरे प्यारे, जिसकी जितनी हैसियत है अगर जो भगवान ने आपको दिया है तो आप धूमधाम से धन लगा करके सुंदर भगवान की कथा सुनो और आयोजन करो। अच्छा महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा सुनाने वाला भी तो होना चाहिए, वह भी कैसा होना चाहिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशल धीरो। सूत जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो ऋषियों, पहला शब्द कहा है विरक्त, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहला विरक्त होना चाहिए, जो कथा वाचक होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। अच्छा आप कहोगे महाराज जी आप बाल योगी हैं तो आप अपने लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं बंधु, इस श्लोक कह रहा है विरक्त के भाव दो होते हैं, जो अंदर से भी विरक्त हो और बाहर से भी विरक्त हो, अंदर बाहर जो दोनों विरक्त हो, ऐसे वक्ता को जब आप व्यास पीठ में बैठाइएगे। अच्छा एक बात बताओ, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित ने सबसे प्रश्न किया, मृियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो उनके दादा परदादा जिन्होंने कथा की रचना करवाई वो भी व्यास जी भी वही थे, लेकिन जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो कोई उत्तर नहीं दे सका। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी जब आए ना तब हर एक प्रश्न का उन्होंने समाधान किया, मेरे मानस किम कर्तव्यम, तो उत्तर दिया वर्यानेशते प्रश्नः। 16 वर्ष का जब बच्चा आया तो जो बड़े बड़े जटाधारी महात्मा थे जिनके बाल पक गए थे वह भी उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। तो याद रखना, जिसने जीवन में महादेव की कथा को धारण किया है, जो उस तत्व में डूबा हुआ है, जिसने साधनाएं करी है, वही तो आपको उस रस में डुबा सकता है, वही तो आपको उस रस को प्रदान कर सकता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है वही तो आपको आत्मज्ञान में डुबा सकता है। तो मेरे प्यारे, पहला कहा विरक्तो, वक्ता पहला विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वह विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुल से होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र, जो वेदों को शास्त्रों को स्वाध्याय किया हो, ऐसा नहीं गुरु चरण में बैठ करके जिन्होंने धारण किया हो पहले। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत अदृष्टांत कुशला है। सुंदर मीठे मीठे छोटे छोटे आपको दृष्टांत दे करके ये कथा, मेरे प्यारे इस कथा को सुनकर के पचा लेना बड़ा कठिन है, इस कथा को सुनकर के धारण कर लेना बड़ा कठिन है, इसलिए छोटे छोटे दृष्टांत देना पड़ता है समझाने के लिए। और श्लोक स्वतः कह रहा है दृष्टांत कुशलह धीरो, जो थोड़े थोड़े दृष्टांत दे करके कथा को बढ़िया सुंदर सा आपको सुनने में सरलता प्रदान कर दे। जैसे दवाई बहुत कड़वी होती है, दवाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसको पिलाना हो बच्चे को तो क्या किया जाता है, थोड़ा सा पहले शहद चटा देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले शहद चटा देते हैं या शहद में मिला करके दवाई को पिला देते हैं। कारण कि यह दवा तो बड़ी कड़वी है लेकिन शहद के साथ में चाट जाएगा तो रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कथा तो बड़ी क्लिष्ट होती है लेकिन थोड़े थोड़े दृष्टांत देकर के भगवान का कीर्तन करवा करके यह
थोड़ा थोड़ा रस दे दे करके आपके हृदय में उतार दिया जाएगा। और जब आपके हृदय में यह कथा उतर जाएगी तो भव का जो रोग है प्यारे, इससे निवारण हो जाएगा। जो भव के रोग हैं इससे निवारण हो जाएगा। तो कहा वक्ता सुंदर, इस विरक्त वक्ता होना चाहिए। आज जब विरक्त वक्ता आएगा तो आपके जीवन में सुंदर वह कथा श्रवण करवाएंगे। और कथा श्रवण जब हो जाए, जब विश्राम होने लगे, तो कथा के बाद में झूम करके नाचते हुए सुंदर भाव से विभोर हो करके, कोई देखे या ना देखे इससे कोई भाव नहीं रखना, मेरे महादेव मुझे देख रहे हैं। और जब कथा का विश्राम हो तो बढ़िया झूम झूम करके भगवान के नाम का भजन गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। जब यह भाव कहा तो 88,000 ऋषि महात्मा खड़े हो गए और एक से बढ़ के एक अलाप लेने लगे, भाव से गुनगुनाने लगे। आइए हम सभी महादेव के साथ में गुनगुना लें, भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी। आइए भाव से हम लोग भी गुनगुना लें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे ना? दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। अरे भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जोट में गंगा बहते मस्तक चंदा साजे, जटा जूट पे गंगा बहती मस्तक चंदा साजे, शिव शंभु घट घट के वासे कड़ कड़ में विराजे, शिव शंभु घट घट के वासी कड़ कड़ में विराजे, जटा जोट में गंगा बहते मस्तक चंदा साजे, जटा जोट पे गंगा बहती मस्तक चंदा साजे, शिव शंभु घट घट के वासे कण कण में है विराजे, शिव शंभु घट घट के वासी कण कण में है विराजे, मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। किसकी दीवानी? बोले किसकी दीवानी? भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी। हर हर महादेव।
धनु में कुंडल तन मृग छाला सुंदर नयन विशाला धनु में कुंडल तन मृग छाला सुंदर नयन विशाला कैलाश पर्वत तेरा डाला ज्योति रूप निराला कैलाश पर्वत तेरा डाला ज्योति रूप निराला कानों में कुंडल तन मृग छाला सुंदर नयन विशाला कानों में कुंडल तन मृग छाला सुंदर नयन विशाला कैलाश पर्वत तेरा डाला जो के रूप निराला कैलाश पर्वत तेरा डाला जो के रूप निराला अंजनी बन जाऊंगी 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 बोले की मैं दीवानी बन कंठ में विष को धरने वाले अमृत करने वाले कंठ में विष को धरने वाले अमृत करने वाले बोले पीवे भर भर बांग के प्याले संभोड मेरो वाले पीवे भर भर बांग के प्याले संभोड मेरो वाले कंठ में विष को धरने क्या बनोगे बोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी 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 दीवानी बन जाऊंगी
भोले शंकर भगवान की जय हो। आहा, आज आप सभी ने शिव महापुराण की महिमा को श्रवण किया है। महिमा का अर्थ होता है महात्म्य। महात्म्य समझ रहे हैं? महात्म्य, महात्म्य का अर्थ होता है कि शिव महापुराण क्या क्या कर सकती है, क्या क्या शिव महापुराण हमारे जीवन में प्रभाव करेगी। तो आपका समय भी हो रहा है, हमें पता है आज आप लोग थके हुए हैं, क्योंकि कलश यात्रा के बाद में आप सभी कोई सुंदर कथा में आकर के बैठ गए हैं। तो कल से ठीक कितने बजे? एक बजे। एक बजे का ध्यान रखना, एक से पाँच बजे तक कथा होगी, ठीक है ना? और आइए हम सभी अब आरती की ओर चलेंगे और सभी कोई अपने अपने घर में दीपक जलाएंगे। शाम के बेला में दीपक जलाएंगे और कल से कल शिव महापुराण में महादेव का प्रागट्य होगा। प्रथम बार किसने पूजा की है, जल कौन बने हैं, पुष्प कौन चढ़ाना चाहिए महादेव को, ये संपूर्ण कथा जो है। और दीपक का क्या महत्व है, दीपक क्यों जलाना चाहिए महादेव के मंदिर में, तो ये सारी कथाएं हम सभी कल श्रवण करेंगे। आइए अपने अपने स्थान में सभी खड़े हो जाएंगे और महादेव के सुंदर झूमते हुए आरती करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान भूत भवन भोलेनाथ की दिव्य आरती का आनंद लेंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्न सौंदर्यै नमः, हरिः ॐ। आरात्रि पार्थिव गुं रजः पितुरप्रायिधामभिः, दिवः सदा गुंसि बृहति, वितिष्ठ स आत्वेखां वर्तते तमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। हाँ, आइए भाव से हम सभी महादेव की आरती की ओर चले। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की आरती करो शंकर की। सिका मुकुट सवारी,
हरि ओम। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददातु तां सर्वपापक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनं स्वात्माभिवंदनं आरोग्यात्माभिवंदनं आरार्तिक ग्रहणं करौ संशोध्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा हरिः ॐ जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय